हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीबी वर्सेस वीजी के मैच के बारे में, जो टी10 का मैच होने वाला है, आज का तीसरा, और काफ़ी अच्छा ये भी मैच होने वाला है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन भाई रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है। इस मैच को भी हम ट्राई करेंगे ट्रंप पिक के माध्यम से वन साइडेड विन करने का, जैसा कि मैंने फर्स्ट मैच में आपको बोला था कि काफ़ी शानदार मैच है, और आप लोग जो है रिजल्ट देख सकते हो। ट्रंप पिक था हमारा इस मैच में डी सिंह दलजीत सिंह, 18% सिलेक्शन था ओनली, और 86 पॉइंट दे गया, ठीक ना। तो ऐसा ही टीम्स जो है आपको मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट से आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के टॉप में मिलेगा। फर्स्ट कमेंट पे आप लोग देखोगे तो पहला कमेंट जो है आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और इसके अलावा इस वीडियो में आप सभी के लिए जो है 500 रुपीज़ का गिव अवे है वीडियो में। तो क्या करना है आपको गिव अवे विन करने के लिए, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। मैंने गिव अवे के बीच में एक गिव अवे का क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक ना। वीडियो के बीच में गिव अवे का क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, इन दोनों में से अगर आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी एक चीज़ नहीं किया, तो आपको विनर होते हुए भी प्राइज़ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। देख सकते हो अभी जो फर्स्ट रिटर्न का था मैच, वो भी मेगा स्वीप गया था, और रात वाला भी जो हंड्रेड्स का मैच था बैक टू बैक, हमारा जो है मेगा स्वीप आ रहा है सारे मैचेस में। और कल भाई मिनी ग्रैंड लीग भी विन कर ली थी हमने, ठीक ना। तो कुल मिलाकर बैक टू बैक जो है धमाका हो रहा है। अगर आपको भी प्रॉफिट कमाना है फैंटेसी की इस फील्ड से, तो आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा, फटाफट से आप लोग आके ज्वाइन कर लो, और आप लोग भी विनिंग करना स्टार्ट कर दो। तो अब हम बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो भाई लोग, पहले हम बात करते हैं डीबी के टीम की, ठीक ना। यहाँ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे वेंकट रामन कनेशन, साथ में आपको देखेंगे जमशेद खान, फर्स्ट टर्न आपको देखेंगे मोहम्मद राहिल, और चौथे पे ऑस्करनी अहमद। चारों ही ऐसे प्लेयर हैं जो अगर इनमें से कोई भी चल गया तो एक तरफा मैच कर देते हैं, ठीक है। चारों में ही कैपेसिटी है। तो कुल मिलाकर डीबी की जो टीम है फेवरेट्स रहेगी मैच जीतने के। बाकी केसीसी की और बाकी बॉलिंग की बात करें तो ऑस्करनी अहमद, वेंकट रामन गणेशन, मोहम्मद राहिल, और यहाँ से मजीद अहमद जाई, इन चारों के चांसेस है कि दो ओवर कम्प्लीट बॉलिंग करें। बाकी के जो ओवर्स हैं यहाँ से काशिफ साहब और गौरव गुप्ता में माइनस हुए थे, ठीक है। अगर कोई और भी नया बॉलर ऐड होता है टीम में तो मैं आपको जो है टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा कि उसको कितने ओवर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे टीम की, वीजी की टीम की। तो भाई लोग, वीजी की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको देखेंगे नरेश पवालुरु, साथ में आपको देखेंगे कृष्णन, ठीक ना। फर्स्ट रन आपको देखेंगे एलोम दहली, और चौथे पे आपको सैयद वकार। तो ये जो होने वाला है इनका टॉप ऑर्डर होने वाला है। बाकी नीचे के जो आप लोग प्लेयर है देख सकते हो। बाकी ये बॉलिंग की बात करें तो ज़्यादा लंबा मैच गया नहीं था, इसलिए 6 ही ओवर कम्प्लीट कर पाई थी इनकी टीम। बाकी रुबेश पल्लानिप्पन ने जो है 2 ओवर की कम्प्लीट बॉलिंग की थी, अपनी टीम का कैप्टन भी है और अच्छा बॉलर है, ठीक ना। बाकी यहाँ से मोहम्मद अवेस और नरेश पवालुरु, इन तीनों के 2 ओवर कम्प्लीट डालने के चांसेस हैं। बाकी के जो चारों है मेजाइन कमल और कमरान खान में डिवाइड हुए थे, और यहाँ से कृष्णन में भी, ठीक ना। तो ये हो गया स्टैट्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ड्रीम इलेवन पर, सीधा आपको जो है टीम बनाकर दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर आपको अपनी टीम में जो है पिक करने हैं, जो आपको एक तरफा विन करवा के दे सके, क्योंकि भाई काफ़ी सारे पिक है आपको इस मैच में दिखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर है जो आपको अपनी टीम में पिक करने ही करने हैं, जो आपको 100% जो है अच्छा खासा पॉइंट लेके दें। तो सीधा हम चलते हैं ड्रीम इलेवन पर। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन पर, और बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। एक एक प्लेयर के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा किस चीज़ को मैंने पिक किया है और क्यों कर रखा है, ठीक ना। तो यहाँ से मैंने लिया है एन राशिक पटेल को, क्योंकि और जो प्लेयर्स हैं खेलने के कम चांसेस हैं उनके, तो यहाँ से आपको एक ही विकेट कीपिंग खेलता हुआ दिख सकता है, वो है एन राशिक पटेल। तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ से 3 प्लेयर पिक किया है, जी गुप्ता, एन पवालुरु और ए डाली, ठीक ना। एस वकार हुसैन अगर खेल रहे तो आप लोग सीधा ए डाली के प्लेस पर इसको ले लेना। बाकी लास्ट के 2-3 मैचेस इसने खेला नहीं है, तो कम चांस है कि ये वाला मैच भी खेले। बाकी नीचे से कोई अच्छा पिक है नहीं। ऑलराउंडर ऑप्शन में मेरे भाई आपके पास 6 पिक हैं, और मैंने इनमें से 4 पिक किए हैं। और मैं पहले बताता हूँ मैंने इन सबको क्यों पिक किया है, फिर मैंने जिसको पिक नहीं किया फिर मैं उसका रीज़न बताऊँगा आपको। तो मोहम्मद राहिल भाई सबका डिफॉल्ट कैप्टन रहेगा, फर्स्ट डाउन आपको बैटिंग करते हुए देखिएगा, प्लस 2 ओवर का बॉलिंग, और बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही इसका शानदार रिकॉर्ड है, इसको तो लेना ही लेना मस्ट है भी रहेगा, ठीक ना। सॉरी, जमशेद खान यहाँ से आ गया, आई थिंक मेरे को यहाँ से मोहम्मद अवेस चाहिए था। मोहम्मद अवेस आपको जो है ओपनिंग प्लस 1 से 2 ओवर का बॉलिंग देगा, और लास्ट मैच में 49 नो डाउट इसने मारे थे, साथ में 1 विकेट भी लिया था 2 ओवर डाल के। तो कुल मिलाकर ओपनिंग प्लस 2 ओवर का बॉलिंग करेगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है अच्छा बिल्कुल, तो इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में कवर कर रखा है, ठीक ना। बाकी यहाँ से डी मदन गोपाल, ठीक ना, ये बंदा आपको 2 ओवर का बॉलिंग देगा, और इसका आप बॉलिंग का रिकॉर्ड देखो, लास्ट के दोनों मैचेस इसने प्ले किए हैं और दोनों में इसने 2-2 विकेट लिया है, ठीक ना, और दोनों मैचेस में 2-2 विकेट लिया है, 60+ दोनों में पॉइंट दिया है, आई थिंक 70+। तो आपको ये जो है 2 ओवर का बॉलिंग देगा, साथ में आपको सेकेंड डाउन जो है ये बैटिंग करके देगा।
तो कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर आप लोग कह सकते हो, इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में कवर कर रखा है। बाकी यहाँ से वेंकट रामन गणेशन जो है 7% सिलेक्शन ओनली, ग्रैंड लीग में आंख बंद करके कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी आप लोग CVC ट्राई कर सकते हो, ऐसा टाइप का प्लेयर है ये, ठीक ना। अपना जो इसका कंट्री है जर्मनी, इसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुका है, तो समझ सकते हो किस टाइप का प्लेयर है ये। लास्ट के कुछ मैचेस में इसने थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन से किया, इसलिए इसका सिलेक्शन कम है। आप लोग चाहो तो CVC ट्राई कर सकते हो, इसको ओपनिंग करेगा अपनी टीम के लिए, प्लस आपको 2 ओवर का बॉलिंग करके देगा, ठीक ना। अच्छा प्लेयर है भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोग, फिर से कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में CVC ट्राई कर लेना, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। स्मॉल लीग में हो सके तो मैं भी इसको वाइस कैप्टन देखे चलूँगा। अब बात करता हूँ मैंने जो यहाँ से पल्लन निपन और जमशेद खान को क्यों नहीं अपने टीम में पिक किया। देखो भाई, ये जो 4 प्लेयर मैंने पिक किए हैं ना, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। मान लो अगर यहाँ से ऑब्वियस अगर आपको बैटिंग से फ्लॉप हो गया तो ये बॉलिंग से पॉइंट दे देगा, मतलब कुल मिलाकर कोई भी अगर बंदा एक जगह से फ्लॉप हो गया तो दूसरी जगह से चांस रहेगा इसका पॉइंट देने का। लेकिन पल्लन निपन सिर्फ 2 ओवर का बॉलिंग करेगा, बैटिंग नहीं करता है, बहुत नीचे करता है, ना के बराबर समझ लो आप लोग। और अगर बॉलिंग में ये फ्लॉप हो गया तो भाई नहीं गिरा, मतलब फिर इसका चलने का कोई चांस ही नहीं है। तो मान लो अगर बॉलिंग से इसमें एक विकेट भी लिया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगा, काफ़ी अच्छा बात होगा, ठीक ना। उस केस में ये फ्लॉप ही माना जाएगा, क्योंकि भाई 6 प्लेयर में से 4 प्लेयर पिक करना ऑलराउंडर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो इसीलिए मैं इसको अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ पल्लन निपन को, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों नहीं करता, सिर्फ आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा। और सामने वाली जो टीम है यहाँ से मोहम्मद रहील और यहाँ से जी गुप्ता, ठीक ना, कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर है, वेंकट रामन गणेशन। तो सामने वाली टीम के जो बैट्समैन है अच्छे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इनको विकेट मिलने वाला है इस मैचेस में, अगर मिले भी तो एक विकेट तक हम लोग झेल सकते हैं, ठीक ना। इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में कवर नहीं किया फिलहाल के लिए। बाकी जमशेद खान, ये बंदा बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता था, लेकिन लास्ट के दोनों मैचेस से इसने जो है बॉलिंग नहीं करी है, इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में कवर नहीं किया है। ये बंदा भी सिर्फ बैटिंग कर रहा है लास्ट के 2 मैचेस से, इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में पिक नहीं किया, ठीक ना। तो ये दोनों होने वाले हैं हमारे ट्रंप, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से एक कोई प्लेयर जो है 80+ पॉइंट देगा आपको, ठीक ना। 80+ पॉइंट आप लोग को देगा इन दोनों में से एक प्लेयर, आप लोग लिख के ले लो मेरे से, ठीक ना, इतना भाई इनमें कैपेसिटी है। तो ये 4 प्लेयर मैंने अपनी टीम में पिक कर लिए। अब मैंने बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से लिया है ऑस्करानी अहमद, एम अहमद जाई, और यहाँ से कृष्णन को लिया अपनी टीम में, ठीक ना। आप लोग चाहते हो यहाँ से कृष्णन की जगह पर कामरान खान को भी पिक कर सकते हो, मैंने यहाँ से कृष्णन के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मेरे भाई ये रही हमारी स्मॉल लीग की टीम, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। CVC की बात करें तो कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा यहाँ से मोहम्मद रहील, ठीक ना। आपको ये है जो 2 ओवर का बॉलिंग करके देगा प्लस फर्स्ट राउंड बैटिंग करेगा, दोनों ही मतलब दोनों डिपार्टमेंट से ही काफ़ी अच्छा ये है, दोनों इसका बहुत अच्छा है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ही। बाकी वाइस कैप्टन मैं यहाँ से मोहम्मद अवेश और वेंकट रामन गणेशन में से एक को दूंगा फिलहाल के लिए। मैं यहाँ से दे रहा हूँ वेंकट रामन गणेशन को, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल तक का प्लेयर है, लास्ट के 2 मैचेस से किसी भी प्लेयर को जज नहीं किया जा सकता, समझे। तो इसलिए मैंने इसको जो है अपने वाइस कैप्टनसी दी है। तो मेरे भाई ये रही हमारी स्मॉल लीग की टीम, आप लोग चाहो तो यहाँ से किसी मतलब कोई भी प्लेयर ड्रॉप करके किसी को पिक कर सकते हो। लाइक अगर आपको लग रहा है मदन गोपाल फ्लॉप हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से इसके प्लेस पर पल्लन निपन को भी ले सकते हो, क्योंकि उस केस में वो सबका CVC रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सा सेफ हो सकता है, समझे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर दो सब लोग फटाफट, और चैनल पर न्यू हो तो सब लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। और मेरे भाई गिव अवे का जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। गिव अवे का क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में कौन सा ऑलराउंडर जो है 2 विकेट लेगा प्लस 30+ रन करेगा, मतलब कौन सा ऑलराउंडर आज के मैच में 30+ रन प्लस 2 विकेट आपको लेके देगा, तो आपको कमेंट करना है, और ठीक ना। तो मैंने आपसे पूछ लिया गिव अवे का क्वेश्चन, बाकी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर लो। और फिर से कह रहा हूँ फाइनल टीम नहीं है, कोई भी प्लेयर ऐसा हो सकता है इनमें से, लाइक एड अली अगर ना खेले तो आपको उसके प्लेस पर किसको लेना है, वो सब मैं जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं यूट्यूब में बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी कम टाइम बाकी होता है मैच स्टार्ट होने में, तो उन सब का अपडेट जो है आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो फटाफट जाके सब लोग ज्वाइन कर लो, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।